एनआईए का बड़ा एक्शन, आईएसआईएस पर प्रहार। आईएसआईएस के नेटवर्क पर कसा शिकंजा। देश भर में आईएसआईएस के नेटवर्क का खुलासा। 40 से ज्यादा जगहों पर एनआईए की रेड। आईएसआईएस के खिलाफ एनआईए ने कड़ा प्रहार करते हुए एक बड़ा एक्शन लिया है। 44 से ज्यादा जगहों पर एनआईए ने सुबह सुबह छापेमारी की है। बता दें कि आईएसआईएस कॉन्स्पिरेसी मामले में एनआईए ने ये बड़ी कार्रवाई की है। अभी तक इस मामले में एनआईए की टीम ने 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ठिकानों पर रेड डाली गई है। एनआईए के अधिकारियों के मुताबिक ये मामला आरोपी व्यक्तियों और उनके सहयोगियों की तरफ से रची गई एक आपराधिक साजिश से संबंधित है, जिन्होंने अलकायदा और आईएसआईएस समेत प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की हिंसक चरमपंथी विचारधारा के साथ एक आतंकवादी गिरोह बनाया था। कहां कहां हुई छापेमारी? ठाणे ग्रामीण में 31 स्थानों पर छापा। ठाणे शहर में 9 जगहों पर छापा। पुणे में 2 जगहों पर छापेमारी। मुंबई और कर्नाटक में एक एक जगह पर छापा। 13 लोगों को किया गया गिरफ्तार। एनआईए ने छापेमारी के दौरान आतंकवादियों के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन और विदेशी आधारित आईएसआईएस हैंडलर्स की भागीदारी के साथ एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश भी किया है। एनआईए की जांच में भारत के अंदर आईएसआईएस की आतंकी विचारधारा का प्रचार करने वाले एक नेटवर्क का खुलासा किया गया है, जो अपने गुर्गों के जरिए भारतीय धरती पर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाला था। बता दें कि एनआईए ने जिस केस में छापेमारी की है, वो आईएसआईएस की विचारधारा फैलाने से जुड़ी है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही एजेंसी ने एक आरोपी और उसके कुछ साथियों को गिरफ्तार किया था, जिस पर इस्लामिक संगठनों की कट्टर विचारधारा फैलाने और भारत में आतंकी संगठन बनाने का आरोप था, जो भारत में इस्लामिक शासन के मकसद के साथ कई युवाओं की भर्ती करता था। बता दें कि पकड़े गए आतंकियों से 500 जीबी मेमोरी वाले पेन ड्राइव मिले हैं। पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में पता चला है कि इन सभी आतंकियों ने अटैक के अलग अलग तरीकों से ट्रेनिंग ली थी। आतंकियों पर एनआईए का प्रहार। 5 साल में 900 से ज्यादा आतंकियों पर चोट। साल 2018 में 184 आतंकी गिरफ्तार। साल 2019 में 164 आतंकी गिरफ्तार। साल 2020 में 251 आतंकियों को पकड़ा। साल 2021 में 186 आतंकी पकड़े गए। साल 2022 में 172 आतंकी गिरफ्तार। एनआईए भारत में आतंक और हिंसा फैलाने की आतंकवादी संगठन की योजनाओं को विफल करने के लिए लगातार एक्शन में है और लगातार जांच जारी है। इससे पहले भी एनआईए ने इस तरह की छापेमारी की, जिसमें कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। वहीं आज एनआईए ने एक बार फिर से आईएसआईएस पर वार किया है और एनआईए ऐसे ही लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी रखने वाला है। यानी भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क।